टू अनदर सेंसेशनल ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हम सब गाइस, आज आपका हर्ष भाई आपको फिर से एक नई लोकेशन में लेके आया, जहाँ पर आज ना भाई आपको मैं करा रहा हूँ राधा कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे खूबसूरत दर्शन, जैसे आप मेरे टीवी से दिखवा रहे हैं। दिल्ली में भाई ये है रोहिणी के अंदर एस्कॉन टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भाई, जैसा कि टीवी से आप देख ही रहोगे मेरे, अभी आपको अंदर भी लेके जाऊँगा, दर्शन भी कराऊंगा। और यहाँ की जो टाइमिंग की बात, सुबह 4:30 बजे से लेके 1 बजे तक ये मंदिर खुला रहा था और शाम को 4:30 से लेके रात के 9 बजे तक ये मंदिर आपका ओपन रहेगा। और यहाँ का आने के लिए आपको रिठाला का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पड़ने वाला है और यहाँ पर आप ई रिक्शा करके आप यहाँ तक वगैरह पहुँच सकते हैं। और अब आइए आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर और कराता हूँ राधा कृष्ण जी का दर्शन। तो ये रहा दोस्तों आपका रोहिणी में एस्कॉन टेम्पल, जो कि अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल बहुत ही जल्दी भी नया हुआ बनाई है और अभी इसकी रेनोवेशन वगैरह भी जोरों शोरों से भी अंदर की। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि आपकी खूबसूरती आपको बाहर से देखने को कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर आपको बनाया गया, ये देख सकते हैं। और अभी चलते हैं, अभी आपको अंदर मंदिर के आपको दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पर सामने देखिएगा, यहाँ पर आपको शू स्टॉल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ई रिक्शा से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसा आपके ऊपर मैंने बताया अभी था कि मेट्रो स्टेशन से रिठाला के मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। शू स्टॉल वगैरह के लिए यहाँ पर आपको अपने शूज़ वगैरह उतार सकते हैं। सामने पानी वगैरह के लिए भी है यहाँ पर। और सामने ठीक आप अपनी व्हीकल्स वगैरह से आ रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर से, तो आप यहाँ पर अपनी काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो पार्किंग वगैरह भी लगा सकते हैं। पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आइए आप चलते हैं आपको मंदिर के आपको अंदर दर्शन कराता हूँ। मंदिर के अंदर आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का आपको नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा मंदिर अभी बन नहीं रहा है, अभी बहुत कुछ बनना भी बाकी रह गया यहाँ पर। बाकी मंदिर की खूबसूरती वैसे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्यारी, और अंदर आते होते और ज़्यादा प्यारी हुई है। और सबसे पहले तो आप यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पूजा की सामग्री वगैरह आप जो भी लेना चाहते हैं, लाइक माला वगैरह, फूल प्रसाद वगैरह, तो आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा का सामान लेते हुए, तो आप यहाँ से पूजा का सामान वगैरह ले जा सकते हैं। मंदिर जाने का रास्ता यहाँ पर है, सेकंड फ्लोर से हम लोग अभी ऊपर की ओर चलेंगे मंदिर के। और अगर आप यहाँ पर कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके मोमोज और आइसक्रीम वगैरह की स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई हैं। और श्रद्धालु के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने मिलेगी, वैसे भी आज सैटरडे है तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको क्राउड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी चलते हैं, अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन यहाँ पर बाकी बिहारी जी के। अभी हम दोस्तों मंदिर के बिल्कुल अभी ऊपर आए हैं, और जैसा कि अभी आपको बताया कि मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपना खड़े होकर फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह क्लिक करा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे का यहाँ पर आप लुत्फ उठवा सकते हैं। यहाँ पर ना देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का मंदिर में, जैसे आप खड़े होंगे। ये थोड़ा सा आपको और नज़दीक वहाँ से बाहर निकला कुछ नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ही खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और उससे कई ज़्यादा यहाँ पर आपको मंदिर की सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ही मंदिर बनाया गया है रोहिणी के अंदर ना एस्कॉन टेम्पल। और अभी इसमें काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, अभी और कुछ बनना बाकी है अभी इस मंदिर के। अभी आपको लेके अभी चलता हूँ ऊपर, दर्शन भी कराऊँगा अभी आपके। और यहाँ पर आप यहाँ पर अपना माथे पर टीका वगैरह भी लग सकते हैं, प्रसाद वगैरह भी, जैसे अभी आपको नीचे मिल रहा था तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी मंदिर के और ऊपर भी यहाँ पर देखिएगा दर्शन, यहाँ पर लोग जितने भी आए हैं करने के लिए, जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ से, ये देखिए ये टीका वगैरह आप यहाँ लगवा सकते हैं। ये देखिएगा और बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पीसफुल जगह है यहाँ पर ये। और कितनी बारीकी से हर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मंदिर की खूबसूरती को कितना अच्छे से बनाया गया। चलिए गाइस, अब आपको मैं अभी मंदिर के और थोड़े से खूबसूरत नज़ारों को आपको दिखाता हूँ। अभी आपको मैं मंदिर के बिल्कुल अभी ऊपर लेके चलता हूँ आपको, और बड़े प्यार से आपको दर्शन भी कराता हूँ। और यहाँ पर हम मंदिर की खूबसूरती को आप देख सकते हैं, अभी चलते हैं हम। ये देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये मंदिर है, कितनी खूबसूरत हर एक चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन कराया गया है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह भी आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, देखिएगा सब अपने फोटो छोटे और वीडियो वगैरह में भी मस्त हो रखे हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही पीसफुल और माहौल है यहाँ का, और बहुत ही शांत अच्छा लगेगा बिल्कुल आपको यहाँ पर आते ना, ये देखिएगा। तो दोस्तों अब आपको मैं लेके आ चुका हूँ मंदिर के बिल्कुल आपको सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ का जो नज़ारा ना आप ये लोग ये देख सकते हैं भाई, दिन के टाइम पे इतनी खूबसूरती है इस मंदिर की, तो सोचिएगा यहाँ पर रात के टाइम पे कितना ही अच्छा और कितना ही ज़्यादा सुकून मिलता होगा भाई यहाँ पर आके ना। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ ये देखिए यहाँ पर तुलसी माता जी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इनके भी दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिएगा एस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सबसे टॉप फ्लोर पर आके कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा मंदिर का, कितना ही खूबसूरत सा। ये देखिए तो यहाँ पर परिक्रमा चल रही है,
श्रद्धालुओं की, और अंदर काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं। आइए अभी आपको मैं अभी और अंदर आपको भी ले चलता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर के आते हैं इसका खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है भाई। मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना शांत माहौल, इतना पीसफुल यहाँ पर आके ये देखिए, और कितना ही प्यारा खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, जितना उतना कम है यहाँ के लिए। और ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लीन हो रखे हैं राधा कृष्ण जी पे, कि भक्तों में, भक्तियों में, सॉरी माफ करिएगा यहाँ पर। और आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आए, दर्शन करिए यहाँ पर, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सच में। मैं तभी थोड़ा सा आपको और करीब लेके चल रहा हूँ मंदिर के। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ पर दर्शन करते हुए यहाँ पर। और मंदिर की जो खूबसूरती ना, ये देखिएगा आप, क्या बात है। ये देखिए ऊपर हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। यहाँ पर जो कान्हा जी की राधा कृष्ण जी को लीला है ना गाइस, वो ही देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हर चीज़ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर बड़े ही बारीकी तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, बड़ा हर एक चीज़। ये देखिएगा कमाल है, ये देखो मतलब अद्भुत, मतलब कहते हैं ना कोई वर्ड्स नहीं आ रहे कि मतलब क्या ही बताएं भाई। और ये देखिएगा सच में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती कलाकृति यहाँ पर करी गई है, कितना ही प्यारा खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर। ये देखिए, आइए थोड़ा सा फिर आपको करीब और लेके चलता हूँ, और यहाँ की खूबसूरती को आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप यहाँ पर साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं राधा रानी जी के। हरे कृष्ण हरे राम। तो दोस्तों आप यहाँ पर साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे आप सभी को। इतना खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग भी यहाँ पर आपको आना ज़रूर चाहिए, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर ठाकुर जी के, राधा रानी जी के। ये देखिएगा कितना ही खूबसूरत प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए यहाँ पर राधा रानी जी कृष्ण जी के। और यहाँ पर आप राम जी सीता मैया हनुमान जी और लक्ष्मण जी के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत प्रतिमा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना कि कब यहाँ से आरती वगैरह स्टार्ट हो यहाँ पर आके ना, और यहाँ पर ये देखिएगा सभी श्रद्धालु, और ये देखिएगा स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा सा नज़दीक हो, थोड़ा सा पास से आपको मैं अभी यहाँ पर आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए
में यहाँ पर आ गए और दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ठीक उस दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर ना देखिए परिक्रमा करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हो आपको ना बहुत, ये देखो आप। तो आप यहाँ पर आ रहे थे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं भगवान जी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये देखिएगा हर वॉल पे एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है यहाँ पर राधा कृष्ण जी की, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत, ये देखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे वगैरह यहाँ पर इंजॉय करते हुए यहाँ पर मंदिर में परिक्रमा करके आपको यहाँ पर भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनल गाइस दर्शन बहुत बढ़िया हुए, बहुत मज़ा ही आ गया भाई सच बता रहा हूँ। और इतने ज़्यादा मतलब सारे सारे जो भक्ति में जिस तरह से लीन देना राधा कृष्ण जी की, मैं भूख लगा आरती हुई सोचा भी नहीं था, सोचा था कि दर्शन करके बस ऐसा हो जाएगा, बट एंड मौके पे जो 12:30 बजे यहाँ पर जब भोग वगैरह लगाया गया आरती हुई सारे सारे जो लीन हुए ना यार सच में मज़ा ही आ गया। और आप लोग भी अपना टाइम निकाल के यहाँ पर ज़रूर आओ राधा कृष्ण जी के यहाँ पर दर्शन करो, आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस सच में बता रहा हूँ। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहे। आपको फिर किसी नई लोकेशन पर आपको लेके चलूँगा, तब तक के लिए आपके मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।